आज जो मैं रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्यारी और बहुत ही स्वीटी स्वीटी है और इजी 5 से 10 मिनट में बन के रेडी हो जाती है। साथ ही साथ खाने में ये बहुत ही प्यारा है दोस्तों। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। तो देखिए देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है, अपने गेस्ट को ये सर्व कर सकते हैं और तारीफ लूट सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। हाय एवरीवन, मैं आपकी प्यारी प्यारी दोस्त सरिता कुमारी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो आज मैं ब्रेड और दूध की इंस्टेंट स्वीट डेजर्ट रेसिपी लेके आई हूँ जो 5 से 10 मिनट में बन के रेडी हो जाती है और खाने में इतनी डिलीशियस है दोस्तों कि जब भी आपका मीठा खाने का मन करेगा तो आप झटपट यही रेसिपी बनाएंगे। तो दोस्तों इसमें हम घी दे रहे हैं, तो 3 स्पून मैंने इसमें घी दे दिया है दोस्तों, काफी है। इतने में जो मेरे ये ब्रेड काटे हैं, 4 ब्रेड थे दोस्तों, मैंने इसको इस साइज में काट लिया। आप चाहे तो किसी साइज में काट सकते हो, और इसका कोना वाला मैंने नहीं काटा है, आप चाहे तो उसको भी काट सकते हो। तो पहले हम अपना घी को हीट होने देते हैं थोड़ा सा। तो दोस्तों हमारा घी हीट हो गया है, तो अब हम इसमें ब्रेड के जितने भी स्लाइस हैं इसको ज़्यादा हमें कड़क नहीं करना है, हल्का हल्का सिर्फ ब्राउनिश कलर रहने देना है। ज़्यादा कड़ा कर देंगे तो इसका जो टेस्ट होगा ये डेजर्ट का रेसिपी का खराब हो जाएगा। तो इसको हल्का हल्का सारे सारे ब्रेड्स के स्लाइस को हम लोग डीप लाइट ब्राउन कलर करके निकाल लेते हैं। तो देखिए सारे ब्रेड के जो थे मैंने उसको घी में ऐसे, ज़्यादा मैंने इसको जलाया नहीं है, हल्का हल्का ही ब्राउनिश रहने देना है। ज़्यादा जला देंगे तो जब हम दूध का बैटर बनाएंगे दोस्तों उसमें ब्रेड पूरी तरह से सोक नहीं कर पाएगा दूध को, तो इसीलिए इसको हल्का ही ब्राउनिश रहने देना है। देखने में ये गोल्डन कलर का बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों। वो वीडियो में आपको दिखा नहीं पाई दोस्तों, क्योंकि वीडियो में अकेले शूट करती हूँ तो सारा क्लिप नहीं दिखा पाती हूँ, सॉरी दोस्तों उसके लिए। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो दोस्तों गैस पे मैंने पैन चढ़ा दिया है, ये गिलास है, इस गिलास से मैं दूध नाप के दे रही हूँ। फुल फैट क्रीम वाला दूध है दोस्तों, आप चाहे तो कच्चा भी ले सकते हैं या फिर बॉयल करके ले सकते हैं। तो ये 2 गिलास था, इसमें मैंने डाल दिया है। अब ये थोड़ा सा दूध मैंने इसमें बचा लिया है, इसे हम दूसरा काम करेंगे। तो दोस्तों ये गिलास में जो दूध बच गया था बस इतना मैंने बचा लिया है, लगभग 3 स्पून बड़े चम्मच से है। अब हम इसमें वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर है 2 चम्मच बड़े चम्मच से, तो अब इसको हम इसमें मिला लेते हैं ताकि जो दूध हमारा बॉयल हो रहा है दोस्तों उसको ये थिकनेस देगा। तो इसको हम बिना लम्स लाए वगैरह अच्छे से मिला लेते हैं दोस्तों। इसको हमने अच्छी तरह से मिला लिया है, अब हम अपना दूध देख लेते हैं। तो दोस्तों जिस घी में हमने अपना ब्रेड को फ्राई किया था, ये मेरे पास ड्राई फ्रूट्स हैं, तो हमको काजू को, बादाम को, एलमोंड्स को और ये किशमिश को, इस तीनों को हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। और इसको हम गार्निशिंग के लिए रख लेते हैं, पिस्ता को इसको हमको फ्राई नहीं करना है, बस इस 3 चीज़ को हम फ्राई करके निकाल लेते हैं। लाइट रेड ब्राउन हो जाएगा ना, बस वैसे करके निकाल लेते हैं। तो दोस्तों इसको हमने अच्छे से ब्राउनिश ब्राउनिश करके फ्राई कर लिया है घी में, ज़्यादा लगने मत दीजिएगा नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों दूध में बॉईल आ गया है, बॉइलनेस, अब ये जो कस्टर्ड है थोड़ा सा जम गया है, तो इसमें डालने से पहले आप इसको मिला लीजिएगा नहीं तो अंदर लम्स हो जाएगा और जल जाएगा। तो इसको ये देते समय मिला लीजिएगा एक बार, कस्टर्ड का घोल डालते समय एक हाथ से आप दीजिएगा और एक हाथ से मिलाते जाइएगा, नहीं तो अंदर पूरा गांठे पड़ जाएंगे, लम्स हो जाएंगे। इसको अच्छी तरह से आप लगने मत दीजिएगा, मिलाते रहिएगा। और ये शुगर है दोस्तों, स्वीटनेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हो। मैंने इसमें स्पून से 7 बड़े चम्मच इसमें चीनी डाले हैं,
आप इसे कम भी कर सकते हो और ज़्यादा भी। तो मैं इसमें, ताकि ये तीनों चीज़ अच्छे से मिल जाए। एक चम्मच करीब इलायची है, 5-6 इलायची को, पाउडर नहीं है दोस्तों, घर में ही इसका छिलका निकाल के इसको दरदरा ही कूट लिया। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये देने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, इसीलिए मैं इसमें इलायची पाउडर मतलब इलायची दरदरा कूटा हुआ इसमें डाल दिए हैं। आप चाहे तो इसके एवज में केसर भी डाल सकते हो, या केसर इलायची दोनों, या दोनों में से किसी एक चीज़ को डाल सकते हो, नहीं तो आप दोनों स्किप भी कर सकते हो। तो दोस्तों ध्यान से इसको मिलाते रहिएगा, इसको ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं करना है, थोड़ा सा मीडियम रहने देना है, ना गाढ़ा ना पतला, ताकि जब हम इसमें ब्रेड डालें अपना, तो ये ब्रेड सोक कर सके इसको। जो हमने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे, तो इसमें हम सारे डाल देते हैं दोस्तों। इसे स्टेज पे हम इसे, यकीन मानिए दोस्तों, ये जो स्वीट इजी डेजर्ट है दूध और ब्रेड की, वो बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुपर डिलीशियस है दोस्तों। आप चाहे तो ड्राई फ्रूट्स को बिना रोस्ट किए हुए भी डाल सकते हो, और काट काट के डाल सकते हो, लेकिन मैंने इनको चॉप नहीं किया है दोस्तों, ऐसे ही ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बस इस स्टेज पे हम अपना गैस बंद कर देते हैं दोस्तों। दोस्तों ये हमारा पूरा बन के रेडी हो गया, इसको मैंने केक टिन में ट्रांसफ़र कर लिया है दोस्तों। आप चाहे तो किसी भी बॉल में या गार्निशिंग के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो, मुझे ये बेहतर लगा, इसीलिए मैंने केक टिन, हार्ट शेप वाला केक टिन को इस्तेमाल किया है। अब हमने जो फ्राई किए थे ब्रेड के पीसेस, उसको हम इसमें डाल देते हैं। मैं पूरा अंदर तक डिप नहीं कर रही दोस्तों, थोड़ा थोड़ा सा बाहर भी रहने दे रही हूँ, आप चाहे तो पूरा ही अंदर डिप कर सकते हो। तो ऐसे हम करके पूरा डाल देते हैं, और यकीन मानिए दोस्तों, ये डेजर्ट बहुत ही अच्छा खाने में आप लोग को लगेगा। और आप इसको फ्रिज में 14 दिन के लिए भी स्टोर करके रख सकते हो, और जब गेस्ट आए या खाने के ऊपर किसी को मीठा खाने का मन होता है, तो आप इसका एंजॉय ले सकते हो। बस जितने भी सारे हैं, मैं उनको एडजस्ट करके इसमें डाल दे रही हूँ दोस्तों। तो बस सारे ब्रेड के स्लाइस जो थे दोस्तों, मैंने इसमें डाल दिया। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है दोस्तों, और जब ये खाओगे आपको तो मेरी ज़रूर याद आएगी दोस्तों। तो अगर ये रेसिपी आप लोग को अच्छी लगेगी दोस्तों, यूज़फुल है, अच्छा लगा, मेरे वीडियो आपको पसंद आते, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों हमने जो पिस्ता बचा के रखा था, ऊपर से हम इसको गार्निशिंग कर देते हैं, ताकि देखने में ये बहुत ही प्यारा लगे। और साथ ही साथ मैं इनको ड्राई रोस्ट, ड्राई किया हुआ गुलाब की पंखड़ी है दोस्तों, सॉरी, तो उसको भी हम ऊपर से सजा देते हैं, ताकि ये देखने में बहुत ही प्यारा लगे। वैसे आप नहीं भी दोगे तो वैसे भी बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, लेकिन देखने में लुकिंग बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों, देखिए। तो दोस्तों अगर आप ये रेसिपी ट्राई करोगे, आपको अच्छा लगेगा, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो जब तक ऐसे ही प्यारी सी स्वीट रेसिपी के साथ मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ, तब तक आप खुश रहिए, आवाज रहिए, और ये प्यारी सी स्वीट रेसिपी खा के अपनी इस प्यारी सी दोस्त को याद करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।